बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको दिखाते हैं ये जिम्बल मोजा मिनी एच, तो बड़ा वीआईपी जिम्बल है। आपको अब हम खोल के दिखाते हैं, इसका रिव्यू दिखाते हैं। एक तो है अक्वेस स्मूथ 2, एक वो और दूसरा जी मोजा मिनी एच। दोनों की प्राइस थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन चीज़ एक ही है। ये है 9550 का मुझे मिला, यानी कि शिपिंग समेत जो मिला है ये 9741 रुपये का मिला है। और जो दूसरा जो है मोजा जो स्मूथ Q2, वो तकरीबन 13000 या इसके लगभग था। दराज में मुख्तलिफ प्राइस है, आप देख लेना उसमें। तो अब जी हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो ये सारा तरीका इसमें बताया होगा, तो कि किस तरह चलाना है, तो किस तरह फिटिंग करनी है, देखना चाहिए सारा आपको साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। अब हमारी असल जो मेन चीज़ है वो देखिए, पहली दफा मैं खोल रहा हूँ, अभी चेक करूँगा फिर आपको रिव्यू दूंगा। ये क्या ट्राईपोर्ड जो नीचे लगता है, ट्राईपोर्ड जैसे मर्जी आप इसको, अगर नीचे रखना हो तो आप नीचे रख लें, और अगर इसको जो बांध के फिर इस तरह पकड़ के जिम्बल कर लेंगे। आपको दिखाते हैं अभी, ये ट्राईपोर्ड है, बैग इसको टाइट कर लें, इसको खोल लें। ये देखें ये बैग बड़ा ज़बरदस्त। ये इसकी चार्जिंग केबल है, जिम्बल की चार्जिंग केबल है। और जो भी अभी चलाते हैं इसको, देखते हैं कि ये कौन सी तार है। तो पूरा बैग हमने निकाल लिया, इसको भी चार्ज पर रखते हैं। ये रही हमारी असल चीज जिम्बल मोजा मिनी एच। अब हम आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं। रात को मैंने इसको बहुत चलाने की कोशिश की, तो मुझे ये चलाने का तरीका नहीं आ रहा था। इसके मुख्तलिफ फंक्शन थे, जिस तरह मोजा दिनी एक ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे तो तब जिम्बल काम करेगा, और बड़ा वीआईपी काम करता है जी। तो मैंने 2-3 वीडियोज देखी, उससे मुझे चलाने का तरीका आया। तो अब मैंने अगले दिन आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। देखो जी इसको ऑन करने का तरीका ये है कि जो लॉक खोलें, जो वाला लॉक आप इधर करें तो जो लॉक खुल जाएगा। इसके बाद आप इसको इस तरह घुमा के ये जहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा। जी देखें ये लॉक लग गया, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा जो लॉक है इसका वो ये है, जहाँ से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे जो खुल जाएगा। अब जो मुकम्मल वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अब हम इसमें मोबाइल फिट करेंगे, आपको मोबाइल फिट करके दिखाते हैं। कोशिश करें कि इसमें बैलेंस पूरा होना चाहिए, अगर बैलेंस थोड़ा सा 19-20 अगर फ़र्क भी होता है तब भी ये जिम्बल काम करेगा। इससे पहले मैंने एक जिम्बल लिया था, वो थोड़ा सस्ता लिया था, तो उसमें जो वर्क उसमें बिल्कुल बराबर करोगे तब वो जिम्बल काम करता था, लेकिन इसमें जो काम करता है, इसलिए ये जिम्बल मैंने इसको परचेज किया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये जो रेड वाला बटन है इससे ऑन हो गया, इसको प्रेस करे रखें तो ये ऑन हो गया, ये अपनी फील्ड में वापस आ गया। ये देखिए अपनी फील्ड में वापस आ गया। अब इसमें अब हम आपको एक फीचर दिखाते हैं। ये देखिए जी, इसमें 1, 2, 3, 4 ये 4 बटन है, 4 बटन ये हैं, और ये लेफ्ट राइट करने के लिए। ये देखिए ये लेफ्ट हो रहा है, राइट ये वाला ऊपर नीचे करना हो, ये देखिए ये हो रहा है। और इसके साथ ही जो पीछे जो बटन है ना, इसको अगर हम डबल प्रेस करेंगे तब ये डबल चलेगा, वो इसको हम डबल प्रेस करेंगे तब ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। अब ये इसी तरह है ना, जिम्बल थोड़ा सा ये राइट की तरफ है, हम इसको डबल प्रेस करेंगे। देखिए ये डबल प्रेस किया, ये अपनी फॉर्म में वापस आ गया, देखिए बिल्कुल सामने आ गया। जे इतने हम वीडियो बनाए जैसे भी दिखाएं, जे देखें मोबाइल अपनी जगह पर। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि जो पावर जिससे जिम्बल ऑन होता है, उसको अगर हम एक दफ़ा दबाएंगे तो ये ढीला हो जाएगा, जान के जिम्बल काम करना छोड़ देगा, और अगर हम दबाई रखेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। अब मैंने ये एक दफ़ा दबाता हूँ, ये देखें ये एक दफ़ा दबाया, जिम्बल काम करना छोड़ गया।
लेकिन जिम्बल ऑन है अभी, जहाँ से लाइट आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर मैं इसको एक दफ़ा दबाऊँगा तो ये अपने फ़ौरन अपनी हालत में वापस आ देगा। ये देखिए अपनी हालत में वापस आ गया। और अगर मैं बिल्कुल सामने लाना चाहूँ तो पीछे डबल प्रेस करूँगा तो ये सामने आ जाएगा। ये सामने आ गया, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। ये देखिए जी, जी हमने वीडियो ऑन की और अभी इसकी वीडियो जो है देखे, ये देखे ये जा रही है। ये आपको हमने वीडियो दिखाई है। इसके साथ ही इसके जो चार बटन है, ये ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया, और ये नीचे वाले जो है ना, अब ये नीचे वाला ये इस तरह है कि ये राइट और ऊपर वाला जो है, ये मोजा दिनी ऐप है उसमें ये काम करते हैं। बाकी ये नीचे वाला और लेफ्ट वाला ये बगैर ऐप के भी काम करते हैं। और जो दरमियान में जो कैमरे का ऑप्शन बना है, ये भी मोजा मिनी ऐप जो है, मोजा दिनी, उसमें ये काम करता है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखें जो ऊपर नीचे वैसे तो जो वॉल्यूम का बटन लग रहा है, लेकिन वॉल्यूम का बटन नहीं, ये TWH में लिखा हुआ है। तो ये TWH ये है कि इसमें हम ऊपर नीचे करना हो, यानी कि मौजूदा दिनी ऐप में अगर हम बगैर टच को काम किए, हम अगर काम करना चाहेंगे तो टी से ऊपर नीचे ये सारा इसमें ऑप्शन मौजूद है। अब हम जो नीचे वाला जो बटन है, इसे हम डबल प्रेस करेंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ देगा, यानी कि ये डबल जल्दी जल्दी ये काम कर सकते हैं। अगर हम इसको किए बगैर करेंगे, आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। ये वीडियो बन रही है तो ये आराम से जा रही है, आराम से। और अब हम जो डबल बटन दबाएंगे नीचे वाला, तो ये तेज मोड में आ देगा, हम आपको दिखाते हैं। अब ये स्पोर्ट मोड में आ गया, ये देखिए जी, ये तेजी से जा रही है। तो ये इसमें फ़र्क है नीचे वाला, जो स्पोर्ट मोड है कि अगर कोई किसी ने कोई मिसाल के तौर पे कोई साइकिल की रेस लगी हुई है, वो तेज़ी से आगे जा रहा है, तो हमने तेज़ी से जिम्बल मूव करना है, तो ये नीचे वाला मोड हम ऑन करेंगे और इससे हम ज़बरदस्त वीडियो बना सकते हैं। इसी तरह जो लेफ्ट वाला जो है, अगर अभी हम आपको दिखाते हैं ये जिम्बल, ये हम जिस तरह जैसे हिला रहे हैं तो साथ साथ मोबाइल भी साथ साथ हिल रहा है, आगे पीछे करें मोबाइल भी साथ साथ हिल रहा है। अगर हम बिल्कुल मोबाइल को एक ही जगह में रखना चाहेंगे, तब हम ये लेफ्ट वाला दबाएंगे, ये दो दफा प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल अपनी हालत में आ गया। अब हम हिलाएंगे मोबाइल अपनी जगह पे है, देखिए जी मोबाइल अपनी जगह में है, जिम्बल हम हिला रहे हैं, तो ये इसमें ये फंक्शन मौजूद है जी। हाँ ना, अब ये फॉर्म में आ गया, अभी वीडियो बनाता हूँ। जिम्बल अपनी जगह खड़ा, साथ साथ मुझे दिखा रहा है। अब मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा हूँ, अब मैं पूरा हिल रहा हूँ, लेकिन जिम्बल अपनी जगह से मुझे दिखा रहा है। अब हम इसके नीचे वाले को तीन दफा प्रेस करेंगे, तो ये हम फिर नीचे की अगर किसी ने वीडियो बनानी है तो वो भी हम दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके नीचे करते हैं, तीन दफा प्रेस करते हैं। अब हम इसके तीन दफा प्रेस करते हैं, ये देखिए हमने तीन दफा प्रेस किया, ये इस फॉर्म में वापस आ गया नीचे वाले। अब हम नीचे की वीडियो इस तरह बना सकते हैं। मैं आपको इंसेप्टर मोड दिखाता हूँ, मैं मोबाइल को इंसेप्टर मोड में कर लेता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ इंसेप्टर मोड, मैंने पहले अपने आप को दिखाया, अब मैं मोबाइल को इंसेप्टर मोड में लेके आता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ। मोबाइल को ये लेके आया, मोबाइल मैंने इंसेप्टर मोड में लगा दिया। अब मैं जाऊँगा देखूँ कैमरा खुद ही आपकी तरफ जा रहा है, कैमरा आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये है इंसेप्टर मोड।